मैं मानता हूं कि मनीष के वीडियो के बाद तमिलनाडु में क्रोध पैदा हुआ। मनीष गुनहगार है, मनीष को माफ नहीं किया जा सकता। उस वीडियो को देखने के बाद आप कौन होते हैं 180 दिन में खत्म कर दूंगा, इसका मतलब भाजपा ने आपको पूरा का पूरा सब कुछ दे दिया। गलत किया है आपने, आपने बिहारियों को की जिंदगी को आप पर 300 का मुकदमा होना चाहिए। आपने बिहारियों के जिंदगी के साथ खेला है। उसके बाद घटना शुरू हुई, उसके बाद वहां के नेता ने बोला, मैं सही को सही कहता हूं, आपकी मदद में पत्रकार होने के नाते, मनीष के होने के नाते नहीं, आप जिस तरीके से डेली किसी न किसी जादव किसी न किसी को गाली देते हैं, कभी मियां को कभी जादव को कभी किसी को, भीवर्स के लिए कुछ भी करते हैं। आप जब आए थे आपके पास एक गाड़ी नहीं थी, कहां से इतना पैसा आया, रियल एस्टेट में कैसे लगे आपके पैसे कब? अब ये सवाल नहीं है, मतलब तेजस्वी को पैसा कहां से आया? ये दो चीफ मिनिस्टर रहा तो पैसा कहां से आया? गलत किया भोगेंगे, आप बताइए ना आपको पैसा कहां से आया? मनीष कश्यप और उसके लोगों ने और कुछ बीजेपी के लोगों ने इसकी साजिश करके बिहारियों की जान को खतरे में डाल दिया। इसको माफी नहीं मिलना चाहिए, इसके खिलाफ जंग हो और मैं ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूं। कहां जाएगा बिहारी, कहां जाएगा 1.5 करोड़ बिहारी, कहां जाएगी उसकी बीबी बच्चे मां? सवाल यह उठता है कि हाय तोबा, जो तमिलनाडु घटना को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है, मेरा सवाल यह है क्या बिहारी एक बार पीटे गए हैं? चलिए तमिलनाडु की घटना सही गलत पे मैं बाद में आऊंगा, क्या मणिपुर में नहीं पीटे गए? तब तो किसी पत्रकार, जो नए पत्रकार हैं, जन्म भी नहीं हुआ था, चाहे वो मनीष जी हो चाहे कोई हो, किसी का जन्म नहीं हुआ था। कोई गंदा आदमी, मनीष बहुत गंदा आदमी है, हो सकता है होगा, मेरा उस पर नहीं जाना है। मनीष मेरे यहाँ प्रवक्ता बनने आए थे, मैंने उनको तब भी कहा था कि आप हिंदू मुसलमान और डायरेक्ट टारगेट करते हैं किसी न किसी धर्म मजहब को जाति को, आप इन चीजों से बचिए। उनको समाज ही ऐसे लोगों को सिखाती है ना, कौन सिखाता है? हर आदमी को अब मजबूर कर रहा है समाज के तुम ताकतवर बनो, अपराधी बनो, माफिया बनो, तब हम तुमको एमएलए बनाएंगे, जात का नेता बनो तब हम तुमको हम एमपी बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। तुम जात के साथ नहीं हो तो तुम दुनिया में कुछ नहीं हो। तुम मियां को नहीं गरियाए, कुरान को नहीं जलाए, रामायण को नहीं जलाए, गीता को नहीं जलाए, राजपूत को नहीं गरियाए, भूमिहार को नहीं गरियाए, बाभन को नहीं गरियाए, जादव को नहीं गरियाए, किसी नेता को नहीं गरियाए, तो तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम गरियाओ, तुम मारो, तुम काटो, तुम ठगो, तुम धोखा दो, तुम मकारी करो, तुम कुकर्म करो, तुम पूरे भारत को मिटा दो, तुम इंसानियत को मिटा दो, संविधान को जला दो, लोकतंत्र को मिटा दो, लेकिन तुम मेरे जात का तुम माफिया बनो, अपराधी बनो, तुम बालू माफिया हो या शराब माफिया। अभी बीजेपी वाले बालू माफिया को शिक्षक में टिकट दिए, औकात बताते हैं ये संजय जायसवाल जी, कहते हैं कि भोगेगा। संजय जायसवाल जी आपके बाप, आपके पिता जो मेरे पिता की तरह थे, वो लालू यादव से टिकट लेते थे, आरजेडी से एमपी थे, आप भी भोगिएगा ना, आप आए कहां से बीजेपी में? वो गाली देता है, ये कौन सा संस्कार है? कोई मोदी को गाली देगा, कोई लालू को गाली देगा, और लगातार सब मिलके राहुल को गाली देगा, राहुल गांधी एंड नेहरू फैमिली को गाली देगा, जिस मोतीलाल नेहरू ने पूरा दुनिया में अपनी सारी संपत्ति इलाहाबाद का कांग्रेस को दान दे दिया, इंडिया को कहां पहुंचाया गाली, वो सुन रहा है? क्या ये राजनीति है? और ऐसे ही चीजों को आप पब्लिक तवज्जो देते हैं, क्यों क्यों क्यों? हमने यह कहा था कि पत्रकार लोगों पर एफआईआर ना हो। न्यूज फॉर नेशन ने कोई वीडियो नहीं बनाई, जो वीडियो आया उसको शेयर किया, या
एक हेडलाइंस, आपने उसको भी नोटिस दे दी। मनीष गलत है, मनीष को साथ देने वाला गलत होगा। मैं मानता हूं कि मनीष के वीडियो के बाद तमिलनाडु में क्योस पैदा हुआ। मनीष गुनाहगार है, मनीष को माफ नहीं किया जा सकता उस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन उसके पीछे कौन कौन है? मैंने कहा था ना, वो बाबा जो घटुक्का है, उस बाबा को चैलेंज करने, उस बाबा के खिलाफ भीम आर्मी लड़ रहा है, लड़ने की जरूरत है। उसके बाद ये राजनाथ सिंह जी से मिले, फिर वो डिलीट कर दिया अपने पोस्ट को। किन किन लोगों से मिले ये भाजपा के, कौन कौन लोग हैं? बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में। मनीष जी ने लिखा है कि मैं आपके विचारधारा से सहमत नहीं हूं, लेकिन आजीवन साथ दूंगा। मनीष जी, गलतफहमी में ना रहिएगा, मैं सत्येंद्र बाबू, चंद्रशेखर सिंह, भागवत आजाद, जगन्नाथ मिश्रा जी, लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश जी, मैं इतने चीफ मिनिस्टर से लड़ चुका हूं। मैं सही को सही कहता हूं, आपकी मदद में पत्रकार होने के नाते, मनीष के होने के नाते नहीं, आप जिस तरीके से डेली किसी न किसी जादव, किसी न किसी को गाली देते हैं, कभी मियां को, कभी जादव को, कभी किसी को, आप होते कौन है? तेजस्वी गलत है या सही है? आप कौन होते हैं? 180 दिन में खत्म कर दूंगा, इसका मतलब भाजपा ने आपको पूरा का पूरा सब कुछ दे दिया। फिर तेजस्वी यादव के मंच पर आप गए कैसे थे? तेजस्वी जी, आप आशुतोष एक मंच पर थे ना, वहां आपने क्या कहा था? आपको कोई ना कोई मंच चाहिए। और भूमिहार समाज के कुछ बौद्धिक लोग का नहीं, राजकवि दिनकर को मानने वाले नहीं, सजानंद सरस्वती को मानने वाले नहीं, पंडित जदुनंदन शर्मा को मानने वाले नहीं, जो लफंगे टाइप के हर जात में कुछ लोग होते हैं। तेजस्वी जी गलत है, सही कोर्ट देखेगी। मैं नहीं कहता हूं, तेजस्वी जी ऐसे लोगों को तवज्जो देते हैं, अपने रथ पर बैठाते हैं अपराधी माफियाओं को, मंच पे जाते हैं। जब तेजस्वी जी आशुतोष जी को स्वीकार कर सकते हैं, मैं जादवों से और सभी जात से कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी वोट के लिए कुछ भी करते हैं। आशुतोष जी को स्वीकार कर लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आशुतोष अच्छे खराब मैं उनकी निंदा नहीं करूंगा, वो जाने सोसाइटी, वो जाने जनता। लेकिन तेजस्वी जी, आपने स्वीकार तो किया ना, आप मनीष को अपने मत पे लाए ना, क्यों क्यों? फिर मनीष जी, आप मंच पे जाने के बाद जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद करते हैं, गोनू झा बन गए हैं आप लोग, बीबर्स के लिए कुछ भी करते हैं। आप जब आए थे आपके पास एक गाड़ी नहीं थी, कहां से इतना पैसा आया? रियल एस्टेट में कैसे लगे आपके पैसे कब? अब यह सवाल नहीं है, मतलब तेजस्वी को पैसा कहां से आया? ये दो दो चीफ मिनिस्टर रहा तो पैसा कहां से आया? गलत किया भोगेंगे, आप बताइए ना आपको पैसा कहां से आया? जो लोग इतनी बड़ी बड़ी रैली करते हैं वो बताए ना उसको पैसा कहां से आया? आप जवाब दीजिए ना। मैं आज भी तमिलनाडु के इशू पर जो केस हुए हैं मैं उसको गलत मानूंगा, लेकिन तमिलनाडु की घटना जिस मुद्दों के कारण हुई है उसमें यदि आप हिस्सेदार हैं तो क्या मैं बिहार के भूमिहार समाज और पूरे बिहार के 13 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या वो सही है? क्या इस देश के पत्रकार को ऐसे लोगों के खिलाफ अपने ट्वीट पर, अपने चीजों पर नहीं लिखना चाहिए? कौन लोग हैं आपके सपोर्ट में? मैं पत्रकार के पक्ष में हूं। मनीष जी, यदि आप गलत ना होते, मैं दिल से कहता हूं मैं गोली भरने को तैयार होता पत्रकारों के लिए, और हूं और रहूंगा। लेकिन जो तरीका आप अपनाते गए हैं सिर्फ भीबर्स के लिए, लोकप्रियता के लिए, और जो मैंने आपको देखा बेतिया के बाद, बेतिया के गाली गलौज से याद है, और आप जब जब मिले मैं आपको सपोर्ट किया, बच्चों को लेके आए मैं 2 लाख रुपया दिया कि नहीं दिया,
क्या था उस वक्त पैसा? आप हमेशा गलत एजेंडे को पकड़ते हैं और वीवर्स लेकर जबरदस्ती लहरिया कट बाइकर्स का आप हीरो बनना चाहते हैं। पढ़े लिखे का नहीं, गलत किया है आपने। आपने बिहारियों को की जिंदगी को आप पर 300 का मुकदमा होना चाहिए। आपने बिहारियों के जिंदगी के साथ खेला है। उसके बाद घटना शुरू हुई, उसके बाद वहां के नेता ने बोला, और उसके बाद मैं कह रहा हूं जो खगड़िया है, मैं खुले चुनौती तेजस्वी जी, आप अपनी गलती को मत छुपाइए। आप वीडियो को आपने कहा जितने लोग आए हैं आप उसके यहां क्यों नहीं गए? आपके गोपालगंज में जो मौत में हुई है, जहां मैं हर लोगों को 25,000 रुपया दे के आया हूं, पवन यादव की मौत, दास जी की मौत, आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो फांसी पर गया उसका हमको वीडियो दो, जो ट्रेन से एक्सीडेंट किया उसका हमको वीडियो दो? फांसी पर पुलिस गई होगी, वीडियो बनाया होगा, क्यों पुलिस वीडियो नहीं देती है? 2 को मारा गया सबसे पहले अमित मंडल झारखंड, फिर यूपी, फिर जमुई, फिर देसरी, फिर कैमूर, फिर गोपालगंज, फिर मधुबनी, फिर अररिया, फिर कांटी, फिर मोतिहारी। ये एक साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कौन सी परिस्थिति आ गई? लाश कह रहे वहां मिला, लाश के लिए पैसे नहीं थे तो हम जाके भेजे हैं मोतिहारी के महतो लाश लाने के लिए। कल मैंने अकाउंट में डाला है 15,000 रुपया कि अपने भाई का लाश लेके आओ। आप दे देते? आप गोपालगंज घर था, ठीक है, किसी तरह मरा, आप मदद कराते? गरीब था ना, 5 थे ना, हॉस्पिटल में मर रहा है मोतिहारी वाला, गोपालगंज वाले आप चले जाते, देसी तो राघोपुर में, वहां चले जाते। आप वहां गए थे, कम से कम एक लाइन आप कहते सुरक्षित करिए, सुरक्षा करिए, अफवाह को रोकिए। जो टाइगर खा के आए वो कह रहा हमको मारा, जो कांटी का बच्चा है वो कह रहा हमको मारा, वो जिंदा है जाइए, वो कह रहा हमको मारा, क्यों जांच का विषय नहीं है? मैं मानता हूं कि मनीष कश्यप और उसके लोगों ने और कुछ बीजेपी के लोगों ने इसकी साजिश करके बिहारियों की जान को खतरे में डाल दिया। इसको माफी नहीं मिलना चाहिए, इसके खिलाफ जंग हो, और मैं ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूं। मैं आपको वचन देता हूं, ये चिल्लाता है क्या? चिल्लाएगा? ये सबके पैसे खाकर लेकर के ये चिल्लाता है, और ये तय करता है किसी की किस्मत, 180 दिन में वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बाप रे बाप, ये ढोंगी बाबा है क्या है? और बीजेपी वाले ऐसे लोगों से बचिए प्लीज। और अपने गिरमान में झांक के संजय जसपाल देखो, आपने क्या क्या कुकर्म किए। बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया था, मरा था कोरोना में, हम 2 लाख रुपया दे के आए। शराब माफिया आपके साथ चलते हैं, आपके पिता लालू यादव के साथ थे, आप वहीं से पैदा लिए, और आप कहते हैं तिल तिल मरोगे। कोई ये बोलेगा नरेंद्र मोदी तिल तिल मरेंगे? क्या ऐसी राजनीति होगी? मैं तमिलनाडु की अफवाह की घटना के बाद मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूं, जांच चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के बीच बढ़ता हूं, मैं सबको कहूंगा सर्वदलीय बैठक। एक नीतीश जी आप पर भरोसा है, चाहे एसटीटी लड़के रोड पर लाठी खाने को, बीटीएड और एसटीटी। तेजस्वी जी आपने वादा किया था वो पूरा करिए ना, आपसे उम्मीद थी। और आपके खिलाफ जब आलोचना होती है तो पप्पू यादव को पेन होता है, इसीलिए कि मैं और लालू यादव जी बहुत उनके सम्मान के साथ हमने जिया है। आपसे उम्मीदें थी, आप हर उम्मीद को खत्म करते चले गए। आप बिहार के मोरल को कमजोर किया, वहां नहीं बोल के और नहीं जा करके, आप अपनी बात को ऊपर करने के लिए तमिलनाडु की बात क्यों कर रहे हैं? सवाल रोजगार का क्यों नहीं करते? सवाल फैक्ट्री खोलने का क्यों नहीं करते? सवाल मनरेगा के पैसे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? सवाल सारे बिहारी को लाने की बात क्यों नहीं करते? कोरोना के बाद बिहारी क्यों चला गया, क्यों गया? यह सवाल है। मणिपुर के बाद क्यों गया? पप्पू यादव मरने गए ना वहां, सबसे ज्यादा बीजेपी वाले ने मारा बिहारी को, गुजरात में 1-1 लोगों को मारा,
हम गए, हमको मारने की कोशिश हुई, महाराष्ट्र में मारा, दिल्ली में मारा, जहां एग्जाम देने जाते हैं मारा, कोटा में सारे 700 बिहारी बच्चे हिंदी पट्टी आत्महत्या कर लिया है, कोटा कोटा। कब तक मेरे बच्चे आत्महत्या करेंगे, कब तक? ये सवाल है और हमें काम करना चाहिए महागठबंधन को। मैं आज भी कहता हूं, मैं मानता हूं अरविंद केजरीवाल अति महत्वाकांक्षी है। आज सब लोग माफिया क्यों देते हो, माफिया को टिकट क्यों किसी अच्छे आदमी को नहीं देते हो? और ये प्रशांत किशोर जी जो गाली गलौज पे उतरे हुए हैं, इन्होंने वीडियो शेयर किया, वो वीडियो पहले से थी, वो भी एक एजुकेशन माफिया को टिकट दिया विधान परिषद, जो स्कूल और कई चीजें चलाता है। सब लोग माफिया को चुन रहे हैं क्योंकि पैसे से वोट कर देंगे। क्या होगा बिहार का, क्या होगा जब आप अपराधी माफिया को वोट दोगे? 47 ललन सिंह, 56 आनंद भाई, आप उसको वोट दोगे? आप बालू माफिया को एजुकेशन में लाओगे? आप शराब माफिया को लाओगे? तो मनीष जी तो चाहेंगे माफिया बनना, मनीष जी तो चाहेंगे पैसा वाला बनना, मनीष जी तो चाहेंगे जात का नेता बनना, आशुतो जी चाहेंगे जात का नेता बनना। सब बनता है तो आशुतो जी में क्या दिक्कत है? जब आनंद भाई नेता हो सकते हैं, जिनके परिवार ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, आशुतो जी भी नेता बन गए, क्या दिक्कत है? सब लोग अलग अलग नेता। मैं तो भूमिहार समाज के पंडित जदुनंदन शर्मा जी की मूर्ति 15 लाख में अपने पैसे जेब से लगाया, माझी जी की मूर्ति 4 लाख में लगाया, और जब जब घटना घटित हुई है किसी समाज पर, मैंने जाति नहीं देखा, मैंने रिश्ते देख करके खड़े हुए, मेरी तो कोई जाति नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों करते हो? सवाल क्लियर है कि रोजगार कब? हमें रोजगार की बात करनी चाहिए, हमें बीटीएड की बात करनी चाहिए, हमें एसटीटी कब तक लाठी का है? अगले बार भी लाठी का था, झंडा पर हाय तोबा हो गई थी, क्या हुआ वो झंडा पर हाय तोबा लड़के का? क्या हुआ अगले बार? फिर विधानसभा का आया, 19 को ये लोग घेराव करेंगे, फिर लाठी चलेगी, फिर बीजेपी वाले हाय तोबा करेंगे, फिर उसके साथ पैसा लगाएंगे। कब तक राजनीति होगी? कब तक? कब फैक्ट्री खुलेगी? कब मनरेगा का आधा पैसा कर दिया केंद्र, नहीं देता है मनरेगा का पैसा, 50% मनरेगा का काम आप लोगों को मिलती है, किसान के पास पैसा नहीं है। कहां जाएगा बिहारी, कहां जाएगा 1.5 करोड़ बिहारी, कहां जाएगी उसकी बीबी बच्चे मां, कौन देगा उसको पैसा? मेरे पास उतने पैसे नहीं है, जो जो मर के आए सबको 25-25 हजार पहुंचाए। यह जिम्मेदारी बिहार सरकार की थी, यह जिम्मेदारी नीतीश और तेजस्वी की थी, पप्पू यादव की नहीं थी। फिर मैं क्या करूं?